उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सितंबर को बिजनौर में एक सभा को संबोधित करते हुए दावा किया था कि पिछले 5 वर्षों में राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था, एक समय था जब उत्तर प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था। हाल ही में जारी NCERB की रिपोर्ट के आधार पर यह देखा गया है कि पिछले 5 वर्षों में राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ है। यूपी दंगा मुक्त हो गया है। इसके साथ ही CM ने कहा था कि उनके शासन में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, लेकिन इसके उलट सच कुछ और ही है। यदि NCERB के नवीनतम आंकड़ों पर एक नज़र दौड़ाएं तो पाएंगे कि बीते 5 सालों में प्रदेश भर में जहां दंगों के 35,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं वर्ष 2021 में ही दंगों के 5,302 मामले दर्ज किए गए। हालांकि पिछले 5 सालों में इन मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। NCERB के 2021 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 के दौरान दंगों के 35,040 मामले दर्ज किए गए, जो मुख्यमंत्री योगी के दावे का खंडन करते हैं। वर्ष 2021 में ही 5,302 दंगे हुए थे, लेकिन 2017 में 8,990 से यह 41% कम हो गया है। वहीं पिछले 5 वर्षों में इन दंगों का शिकार होने वालों की संख्या भी 2021 में 49% घटकर 5,886 रह गई। अब आइए एक नज़र डालते हैं वर्षवार आंकड़ों पर। वर्ष 2017 में प्रदेश भर में दंगों के 8,990 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2018 में 8,908 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2019 में 5,714 मामले दर्ज किए गए, वहीं 2020 में 6,126 मामले दर्ज किए गए और 2021 में 5,302 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े भारत में NCERB अपराध रिपोर्ट 2017 से 21 के हैं। हमने कई मौक़ों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य भाजपा नेताओं के ऐसे ही झूठे दावों की जांच की है। CM योगी ने यह भी दावा किया कि राज्य ने उनके शासन के दौरान भी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं देखा था, लेकिन NCERB के आंकड़ों के अनुसार 2017 और 21 के बीच प्रदेश भर में सांप्रदायिक दंगों के 35 मामले दर्ज किए गए। योगी सरकार मार्च 2017 में ही सत्ता में आ गई थी। हालांकि सराहनीय यह है कि राज्य में सांप्रदायिक दंगों में भी गिरावट देखी गई है, जिनमें 2017 से 21 तक 97% की कमी आई है। और इस तरह NCERB की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2018, 19 और 2020 में यूपी ने कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं देखा, जो कि काफ़ी संतोषजनक है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा भाजपा सरकार के दौरान दंगों की सभी श्रेणियों में गिरावट दर्ज की गई, सिवाय दुश्मनी या प्रतिद्वंदिता से संबंधित दंगों को छोड़कर, जिसमें 55% की वृद्धि हुई है। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही विभिन्न तरह के आंकड़े जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।